मैं आज टमाटर गोभी खीरा जो भी बॉडी ग्रो कर रखी है उसके अंदर फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड ग्रोथ प्रमोटर ये सब दवा देकर दिखाती हूँ किस तरह से आप भी अपनी बाड़ी है जो भी टमाटर का पौधा है एक पौधा है या ज़्यादा पौधे हैं या एक दो बीघा में है उसे सभी के अंदर एक ही प्रकार की दवाई डाली जाती है वो दिखाती हूँ मैं कि कौन सी दवाई लेके किस यूज कैसे यूज करें किस काम के लिए यूज करें ये मैं ले रही हूँ एनपीके खाद है और ह्यूमस अल्ट्रा इसके साथ लेकर इसमें मिलाऊंगी। ये 50 लीटर के गोल में पानी में गोला जाता है इसको गोल कर और फिर ड्रिप सिस्टम होता है उसमें पानी के साथ ड्रिप में चढ़ा दिया जाता है जिसे प्रत्येक पेड़ में समान मात्रा से चढ़ जाता है। ये देखिए मैंने इसको खाद की 2 थैली ली है एनपीके खाद की जो पानी के अंदर गोल लूंगी मैं इसको ढंग से और फिर इसके अंदर जो ह्यूमिक एसिड है वो इसी में मिला लूंगी और फिर इसी स्प्रे बोतल ये जो रखी हुई है मशीन इसके अंदर भर दूंगी मैं पूरी को फुल पानी से और फिर ये जो ड्रिप बिछी हुई है इसके अंदर इसको जोड़ देंगे जिसे पूरे जो भी प्लांट हैं जो भी ड्रिप बिछी हुई है पूरे खेत के अंदर समान मात्रा में चला जाएगी। ये इस तरह का होता है एनपीके खाद वो इसको अच्छे से पानी में इस तरह से हाथ से हिलाकर घोल लिया जाता है। इस खाद को मोनो अमोनियम फास्फेट भी बोला जाता है। ये पौधे की जड़ों में चढ़ाया जाता है जिससे पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है जल्दी ग्रोथ होगी तो फ्लावर जल्दी आएंगे और फल भी जल्दी आएंगे। तो ये देखिए मैं इसमें मिलाकर और फिर चढ़ा दूंगी इसके अंदर ड्रिप के अंदर इस तरह की दवा है जो ह्यूमिकल एसिड है वो ये जड़ों के अंदर जो फंगस आती है वो भी मिट जाता है इससे फंगीसाइड भी है और ग्रोथ प्रमोटर भी है। इस तरह से पानी को ये 50 लीटर पानी में घोलने की तो 20 लीटर की मेरी टंकी है उसके अंदर मैं लगभग इसका 20 लीटर के हिसाब से डाल लूँगी और बचा हुआ है वो और बचे हुए पानी में डालूँगी मैं वो। इसके बारे में कुछ और भी जानकारी दे देती हूँ मैं टमाटर के बारे में। टमाटर को पोषण का पावर हाउस भी कहा जाता है। इसके अनेक फायदे हैं। इसमें अच्छी खासी मात्रा में विटामिन ए विटामिन सी और विटामिन के होता है। इसके अलावा टमाटर में पोटेशियम मैग्नीशियम तथा फास्फोरस तांबा और नियासिन जैसे पोषक तत्व तो भी पाए जाते हैं। ये देखिए मैंने इस ड्रिप सिस्टम के अंदर जो इस स्प्रे की मशीन थी उसमें से इसको कनेक्ट कर दिया है। अब इसमें समान मात्रा में प्रत्येक पौधे में चला जाएगा। और ये ले रही हूँ मैं फंगीसाइड और झुलसा रोग के लिए यह राफेल दवा। ये राफेल दवा है जो कीड़े के लिए स्प्रे की जाती है पत्तों के ऊपर। और ये टाबेरो और ये मेटा है ये झुलसा रोग होता है जिसे पत्ते झुलस जाते हैं उनके लिए स्प्रे किया जाता है। तो ये लगभग 1 क्विंटल पानी के अंदर घोल कर फिर स्प्रे किया जाता है। तो मैं एक बाल्टी में लगभग 3-4 लीटर पानी लूँगी उसमें इसको दोनों जो हैं ये मेटा और टबेरो इन दोनों को ढंग से पानी में घोल कर और 15 मिनट बाद ये जो राफेल दवा है इसको ढंग से हिलाकर इसमें मिलाऊँगी और फिर पेड़ों के ऊपर स्प्रे करेंगे जिससे जो झुलसा रोग है जिसे पत्ते झुलस आते हैं उसकी शिकायत है वो भी मिट जाएगी और जो कीड़े वगैरह लट वगैरह लग जाते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। इस टमाटर में कुछ रोग लगते हैं वो बताती हूँ मैं। जैसे उकटा रोग है इसमें पौधे की निचली पत्तियाँ होती हैं वो पीली पड़कर और झुलस जाती हैं और फिर सूख के गिर जाते हैं। एक है पूर्ण कुंचन रोग जिसे सफ़ेद मक्खी द्वारा ये फैलाया जाता है जिससे पत्तियाँ मुड़ जाती हैं सिकुड़ जाती हैं और उसके फल फूल भी नहीं आते हैं। तो इसके इलाज के लिए ये दवाइयाँ ली मैंने जिससे पौधे की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी तो फ्लावरिंग भी अच्छी होगी तो फ्रूटिंग भी अच्छी होगी। तो आप इस तरह से पानी लेकर उसमें इनको ढंग से घोल कर और फिर पेड़ों पे इसका स्प्रे कर सकते हो। तो जैसे मैंने एक इसमें बाल्टी में इसको घोल लिया है और ये 5 टंकियों का मटेरियल बन जाएगा मेरा। तो एक टंकी 20 लीटर की है तो 5 के अंदर इसको समान मात्रा में मैं डाल दूँगी सभी के अंदर और फिर स्प्रे कर देंगे इसका जिसे
पौधे में जो भी इंसेक्ट वगैरह होंगे वो सारे मर जाएंगे, और जो भी रोग हैं ऊपर पत्ते सिकुड़न के, पत्ते झुलसने के, वो सारे सही ठीक हो जाएंगे। ये दवाई है राफेल, ये 15 मिनट बाद इसको ढंग से हिलाकर और इसमें मिला के फिर स्प्रे करेंगे। टमाटर में पाए जाने वाले अन्य पौष्टिक तत्व तो बताती हूँ। इसमें सोडियम, कोलेस्ट्रॉल और कैलोरी की मात्रा बेहद कम होती है, न के बराबर होती है। इसमें टमाटर का उपयोग कई तरीकों से किया जाता है। कुछ लोग सब्जी बनाकर खाते हैं, तो कुछ लोग इसको सलाद के रूप में खाते हैं, वहीं कुछ लोग टमाटर का जूस बनाते हैं, सूप बनाते हैं और सूप बनाकर पीना पसंद करते हैं। टमाटर के सेवन से पाचन में सुधार होता है, इसके साथ ही रक्त परिसंचरण को बढ़ावा मिलता है, कोलेस्ट्रॉल को स्तर को कम करने में काम आता है, हड्डियों के लिए भी अच्छा आहार माना जाता है। और ये देखिए मैंने ये इस तरह से इस लोटे के अंदर भर के और इसमें भर देती हूँ, और फिर ये पानी की पूरी टंकी भर के फिर स्प्रे करके दिखाते हैं। तो जब भी आप किसी भी तरह की बाड़ी करो करो तो उसकी इस तरह से केयर करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी इससे बेनिफिट मिलता है। अदरवाइज पूरे पौधे जल जाएंगे तो नुकसान ही होगा फायदे की बजाय। तो टाइम टाइम पे इस पर फर्टिलाइज़र अप्लाई करना, इंसेक्टिसाइड है वो कीटनाशी, कवकनाशी, जो भी फफूंदनाशी दवा वगैरह टाइम पे जो भी रोग लगा है उसका इलाज कर देना चाहिए, तभी जाके ये अच्छी ग्रोथ होगी और इसके फल वगैरह अच्छे आएंगे। तो इस तरह से इस टंकी को पूरी को भर दिया है पानी से, और ये देखिए टमाटर के अंदर इसका स्प्रे कर रहे हैं। अब ये पौधे छोटे हैं, फ्लावर कुछ में आना स्टार्ट हुआ है, लगभग 15 दिन बाद अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे और फिर फ्रूटिंग स्टार्ट होगी इसके अंदर। तो उससे पहले ये सब दवा वगैरह डालने से पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है, स्वस्थ रहता है। जब पौधा स्वस्थ रहता है तभी इसमें अच्छे फ्लावर आते हैं, अच्छे फ्रूट आते हैं, नहीं तो जब फ्लावर आना स्टार्ट हो जाता है तो झड़ना और सिकुड़ना और काफ़ी प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो हमारे जो इसके अंदर टमाटर है, गोभी है, सभी के अंदर ये तरबूज की बाड़ी है, इधर तरबूज का ये बेड बना रखा है, इसके अंदर देख सकते हो इसमें स्प्रे कर दिया है। ये गोभी का है, इसके अंदर है सफ़ेद लट की प्रॉब्लम रखी है, तो उसके लिए ये स्प्रे किया जा रहा है जिससे इसकी ये कीड़े की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, तो इसके भी फ्लावर आना स्टार्ट हो जाएगा। जो मूली है, लौकी है, तुरई है, पालक है, पालर है, जो भी कुछ है, धनिया वगैरह, ये खीरे हैं, इन सभी में स्प्रे करेंगे। हमारे जैसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें सभी ग्रो कर रखी हैं हमने बाड़ी की, तो ये खीरे में भी स्प्रे कर दिया है पूरे में। इस तरह से आप भी स्प्रे कर सकते हो। टमाटर में विटामिन और खनिजों का एक अच्छा स्रोत होता है, इसलिए यह हृदय संबंधी बीमारियों से बचाता है। नियमित रूप से सेवन करने से उच्च रक्त संचरण को कम करने में मदद मिलती है, प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी बढ़ाने वाला आहार भी माना जाता है ये। इसमें लगने वाला कुछ अन्य रोग भी हैं, जैसे आदर गलन रोग जिसे तना गलन रोग भी बोला जाता है, अगेती झुलसा रोग जिसमें पत्तियों पर काले धब्बे दिखाई देने लग जाते हैं, इस तरह के रोग होते हैं वो इस दवा से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और बेल आइकन प्रेस करना जिससे आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप इसको पॉट में लगे हुए टमाटर में भी अप्लाई कर सकते हैं।